हेलो, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। सो टेक्निकल की बात हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है इस इंडस्ट्री में, तो मैं उसके बारे में अपडेट ना दूँ ऐसा हो नहीं सकता। सो देयर इज अ मूवी मौसागल्लू, 3 रीजंस, उसके मैं बताऊँगी जो आपको देखना चाहिए, क्यों ये मूवी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और क्यों मैं रिकमेंड कर रही हूँ। सो सबसे पहली बात तो इसमें सुनील शेट्टी की है। ओके, सो वो काफ़ी समय के बाद पर्दे पे आ रहे हैं। एंड इट इज़ सेकेंड रीजन इसका ये है कि ये लेटेस्ट बिगेस्ट आईटी स्कैम से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मूवी 19 मार्च को रिलीज़ हो रही है, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी है जिनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट लेना है। और आपको पता चलेगा कि इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया गया है, जिस तरह से न्यूज़ और सोर्सेज के हिसाब से इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो ये रियलिटी में इसका स्कैम हुआ था, आईटी स्कैम हुआ था और उस पर ये मूवी बनाई गई है। इसमें काजल अग्रवाल भी है, विष्णु मार्चू भी है। ओके, और ये मूवी 19 मार्च को आ रही है। सो ये मूवी देख के मैं अपना रिव्यू तो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। मुझे आधी इन्फॉर्मेशन पता है कि ये किस स्टोरी पे रिलीज़ हुई है, बट देन आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊँगी। बट यस, जिन जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट चाहिए कि क्या क्या इंडस्ट्री में स्कैम हुए हैं आईटी में, उन्हें ये पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, ये रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है तो आप रिलेट कर पाओगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इस पर प्ले हो रहा है। आपको सारी चीज़ें इसमें पता चलेगी कि किस तरह से आईटी स्कैम हुआ है, तो आप किस तरह से आईटी स्कैम को प्रिवेंट कर सकते हो। तो 19 मार्च को आ रही है, हिंदी में है, तेलुगू में भी ये अवेलेबल है। आप थिएटर में टिकट बुक कर सकते हो या तो फिर आप अपने हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से वो चेक कर सकते हो। ओके, सो ये मूवी जैसे रिलीज़ होती है उसके बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। बट देर आर 3 अपडेट्स दैट दिस इज़ द रियल लाइफ स्टोरी, रियल लाइफ के बेसिस पे, रियलिटी में ये आईटी स्कैम हुआ है उस पर ये बनी है। काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इस मूवी में काम कर रहे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी यू विल बी एबल टू एन्जॉय दिस मूवी। ओके, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है इस मूवी में, मतलब हुआ है ऑन एन एवरेज जिस तरह से नॉर्मल हर कोई मूवी में होता है, पर इस मूवी से एक्सपेक्टेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रियल लाइफ स्कैम हुआ है उस पे ये मूवी बनाया गया है। ओके, सो ये एक्चुअली ये मूवी 2020 में रिलीज़ होने वाली थी, जून 2020 में, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, तो अभी ये मूवी 2021 में रिलीज़ हो रही है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, जैसे रिलीज़ होती है उसके बारे में अपडेट मैं भी दूंगी अपने हनी एंड टेक चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।